नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार शिवा धूप इंडस्ट्री की तरफ से आप समस्त प्रदेशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की प्रोबेशनरी अधिकारी ओशीन शर्मा ने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है तो दूसरी ओर बेटियां घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है। वह भी उन बेटियों में से एक है जो अपने पति व उनके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताड़ित व घरेलू हिंसा से पीड़ित है। उसके पति व धर्मशाला के वर्तमान विधायक द्वारा उसे अभी दिमागी तौर पर मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। जिस तरह उनके पति को पूरे स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है, वैसे ही अधिकार उन्हें भी है, लेकिन उन्हें फिर भी परेशान करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे वह दायित्व सही तरीके से नहीं निभा नहीं पा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग करते हुए कहा कि धर्मशाला में सत्ता के दुरुपयोग को रोका जाए, जो जनता के सामने कुछ है और पीठ पीछे कुछ है। उन्होंने पत्रकारों से इस मुद्दे पर भावुक होते हुए कहा कि 26 अप्रैल 2021 में उनका विवाह धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया के साथ हुआ था। उसके बाद उनके साथ अत्याचार शुरू हो गए थे। उन्होंने कुछ समय तक तो सहन किया, जब विरोध किया तो गत वर्ष जून माह में उनके साथ उनके पति व परिवार के सदस्यों द्वारा न केवल उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया था बल्कि मारपीट भी की गई थी। उसके बाद उन पर पुलिस में भी की गई FIR वापस लेने का दबाव डाला गया। उन्होंने इसलिए FIR वापस ली थी। सवाल मेरा बस इतना सा है कि क्या अगर एक औरत किसी व्यक्ति को, चाहे वो उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो, अगर किसी चीज के लिए मना कर रही है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती बिकॉज ऑफ द रीजंस जो कि साफ साफ है, प्रताड़ना हुई है, पहले सब कुछ हुआ है, सब जानते हैं, तो क्या एक औरत को समय लेने का अधिकार नहीं है? क्या एक औरत को सोचने का अधिकार नहीं है? क्या एक औरत उस पशु की तरह है जो खूंटे से बांध दी गई है और अगर वो पशु कहीं चला जाए चरने तो उसे हांक के वापस ले आओ कि तू मेरी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी डिले के टैक्स हुए सेपरेशन के लिए, हाई कोर्ट में वो केस अब जो है अप्रैल तक लटक चुका है। ये सारी की सारी स्टॉकिंग, हैरेसमेंट, जितनी भी चीजें मेरे साथ हुई है, दिसंबर में मुझे मजबूरन इनके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना पड़ा है। मैंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए अप्लाई किया है 14 तारीख को, अभी जो 14 जनवरी है यानी कल, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास धर्मशाला में जो है वहां पे हियरिंग है श्रीमान जी की। तो मुझे इस मोमेंट पे इस यहां तक आना पड़ा बिकॉज ऑफ हिम। माय पॉइंट इज कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं अपने आप को कैसे भी जोड़ लूं, मैं कैसे भी चलने की कोशिश करूं, बट मैं डिग्निटी के साथ इस समय जॉब नहीं कर पा रही, मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रही, मैं परेशान रहती हूं, क्योंकि पब्लिक का नैरेटिव अपने आप में डिसाइड किया हुआ है। मुझसे जितनी बार मिलने की कोशिश की गई, फोटोज खींच ली गई, ये दिखा दिया गया कि सब कुछ ठीक है। आप श्रीमान जी की DP चेक करेंगे तो उसमें फोटोज ऐसे ऐसे हैं, पुरानी नहीं, ये दिखाने के लिए कि हम दोनों साथ हैं, हम दोनों ठीक हैं। ये सब क्यों हो रहा है? अगर ठीक है तो आज के वक्त में आप लोगों के सामने क्यों बैठे? अगर वो इतने सभ्य और इतने सुशील हैं, अभी उन्होंने कुछ समय पहले अपॉलॉजी भी आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन डाली है, अगर वो इतने सच्चे हैं तो आज मैं यहां क्यों हूं? मेरा आज का पॉइंट यहाँ पे आने का सिर्फ इतना सा है, मैं ऑनरेबल CM साहब को रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को अपील करती हूँ कि सर, आप लोगों का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर बेटी को बचाएंगे बेटी को पढ़ाएंगे भी, पर बेटों को समझाना बहुत जरूरी है। अगर बेटे कुछ गलत कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, उनको समझाना डांटना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है, क्योंकि मनमानी नहीं हो सकती सर। जो पावर का अब्यूज धर्मशाला में हो रहा है, मैं नहीं जानती कितनी लड़कियां हैं, मैं तो शायद भगवान की कृपा है कि मैं बोलने की हिम्मत रखती हूं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं जो बोलती भी नहीं है उनके साथ क्या क्या हो रहा है, वो सिर्फ सहन कर जाती है। और वो क्यों? क्योंकि पावर में है व्यक्ति, उनके खिलाफ कोई भी नहीं बोलेगा। मेरे तक ये मैसेजेस आए जा रहे हैं कि तुम मीडिया में जाओ, तुम चाहे पुलिस में जाओ, तुम जहां मर्जी जाओ, अब बचा ही क्या है, क्योंकि डर ही नहीं है, डर ही किसी बात करने की, कोई उनको कोई बोलेगा। आई अपील टू ऑनरेबल CM एंड PM
प्लीज इस प्रकार का जो पावर अब्यूज है उसे रोका जाए, चाहे वो धर्मशाला में है, चाहे वो हिमाचल में है, चाहे वो कहीं पे भी है। और एक और बात, आई अपील टू पब्लिक एज वेल, कि एक औरत बहुत कुछ सोच के समाज में सामने आती है, तो जब वो बोलने की हिम्मत रखती है तो आप उसकी इस हिम्मत को तोड़े ना। जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उस समय लोगों ने कहा कि पहले मार खाई थी तो पहले क्यों नहीं बोले, फिर लोगों ने कहा कि अब मार खाई है तो अब वापस क्यों नहीं जाते। मतलब हर सिचुएशन में एक औरत को ही कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला जाता है, एक औरत को ही एडजस्टमेंट के लिए बोला जाता है। बट रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, ये स्टोरी औरत पुरुष की लड़ाई की नहीं है सर, ये गलत को गलत बोलने की है, नीति और अनीति की है। जितना हक श्रीमान को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का है, क्योंकि मैं उनको जाके परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं उनको प्रेमिसेस में जाके एंट्री नहीं कर रही हूँ उनकी, वो जहां जहां भी वो मीटिंग्स ले रहे हैं या जो कर रहे हैं, मैं रात को जाके उनके दरवाजे नहीं बजा रही हूँ। तो मेरे साथ भी ये नहीं होना चाहिए, मेरे साथ या किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो मेरी बस इतनी सी अपील है सभी जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो इस प्रकार के पावर अब्यूज को रोक सकते हैं तो जरूर रोके, क्योंकि हम बहुत गलत मैसेज जो है वो समाज में दे रहे हैं। क्योंकि ये लोग चलो मैं औरों की बात नहीं करूंगी, श्रीमान जी दुनिया में जाके अच्छा चेहरा दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे जो चीजें मेरे साथ हो रही है, अगर मैं ये नहीं बोलूंगी तो मेरा पर्पस डिफीट है हर चीज का। और जहां तक बात है कोर्ट की, तो कोर्ट में ठीक है चीजें जा रही है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है फैसला मेरे लिए आ रहा था, वैसे ही मैं जानती हूँ देर सवेर हाई कोर्ट में भी आएगा, मैं जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं जानती हूँ कि वो देर सवेर फैसला होगा, लेकिन फिर समाज के सामने सच्चाई खुल के रखते हैं ना, पीछे से नैरेटिव कुछ और है, आगे से कुछ और है, सब कुछ मैनेज है, क्योंकि मैं तो आज अकेली हूं यहाँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिलीज के बाद मैं जानती हूँ महाशय की सारी टीम जो है वो लग जाएगी इस चीज को संभालने में। कई लोग मुझे गालियां देना फिर शुरू करेंगे, पर मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि जब इस बार आप गालियां लिखें तो प्लीज एक बार अपनी माँ का चेहरा जरूर याद रखना, इस बार आप गालियां लिखें तो अपनी बेटी का चेहरा जरूर याद रखना कि मेरी जगह आपकी बेटी भी हो सकती थी। मेरा जब फिजिकल अब्यूज खत्म हो गया तो साइकोलॉजिकल अब्यूज शुरू हो गया। मेरी शादी की वीडियोज, मेरी पुरानी नई वीडियोज जनाब अपने दोस्तों के थ्रू यूट्यूब चैनल पे लॉन्च कर रहे हैं, क्यों, क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये एक सभ्य इंसान को शोभा नहीं देता। तो इन द एंड सवाल मेरा बस इतना सा है कि क्या अगर एक औरत किसी व्यक्ति को, चाहे वो उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो, अगर किसी चीज के लिए मना कर रही है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती बिकॉज ऑफ द रीजंस जो कि साफ साफ है, प्रताड़ना हुई है, पहले सब कुछ हुआ है, सब जानते हैं, तो क्या एक औरत को समय लेने का अधिकार नहीं, क्या एक औरत को सोचने का अधिकार नहीं, क्या एक औरत उस पशु की तरह है जो खूंटे से बांध दी गई है और अगर वो पशु कहीं चला जाए चर में तो उसे हांक के वापस ले आओ कि तू मेरी प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी डिले के टैक्स हुए सेपरेशन के लिए, हाई कोर्ट में वो केस अब जो है अप्रैल तक लटक चुका है। ये सारी की सारी स्टॉकिंग, हैरेसमेंट, जितनी भी चीजें मेरे साथ हुई है, दिसंबर में मुझे मजबूरन इनके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना पड़ा है। मैंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए अप्लाई किया है 14 तारीख को, अभी जो 14 जनवरी है यानी कल, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास धर्मशाला में जो है वहां पे हियरिंग है श्रीमान जी की, तो मुझे इस मोमेंट पे इस यहां तक आना पड़ा बिकॉज ऑफ हिम। माई पॉइंट इज कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं अपने आप को कैसे भी जोड़ लूं, मैं कैसे भी चलने की कोशिश करूं, बट मैं डिग्निटी के साथ इस समय जॉब नहीं कर पा रही, मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रही, मैं परेशान रहती हूं, क्योंकि पब्लिक का नैरेटिव अपने आप में डिसाइड किया हुआ है। मुझसे जितनी बार मिलने की कोशिश की गई, फोटोज खींच ली गई, ये दिखा दिया गया कि सब कुछ ठीक है। आप श्रीमान जी की डीपी चेक करेंगे तो उसमें फोटोज ऐसे ऐसे हैं, पुरानी नहीं, ये दिखाने के लिए कि हम दोनों साथ हैं, हम दोनों ठीक हैं। ये सब क्यों हो रहा है? अगर ठीक है तो आज के वक्त में आप लोगों के सामने क्यों बैठे? अगर वो इतने सभ्य और इतने सुशील हैं, अभी उन्होंने कुछ समय पहले अपॉलॉजी भी आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन डाली है, अगर वो इतने सच्चे हैं तो आज मैं यहां क्यों हूं? मेरा आज का पॉइंट यहां पे आने का सिर्फ इतना सा है
मैं ऑनरेबल सीएम साहब को रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को अपील करती हूँ कि सर आप लोगों का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर बेटी को बचाएंगे बेटी को पढ़ाएंगे भी, पर बेटों को समझाना बहुत जरूरी है। अगर बेटे कुछ गलत कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, उनको समझाना डांटना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है, क्योंकि मनमानी नहीं हो सकती सर। जो पावर का अब्यूज धर्मशाला में हो रहा है, मैं नहीं जानती कितनी लड़कियां हैं, मैं तो शायद भगवान की कृपा है कि मैं बोलने की हिम्मत रखती हूं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं जो बोलती भी नहीं है उनके साथ क्या क्या हो रहा है, वो सिर्फ सहन कर जाती है। और वो क्यों? क्योंकि पावर में है व्यक्ति, उनके खिलाफ कोई भी नहीं बोलेगा। मेरे तक ये मैसेजेस आए जा रहे हैं कि तुम मीडिया में जाओ, तुम चाहे पुलिस में जाओ, तुम जहां मर्जी जाओ, अब बचा ही क्या है, क्योंकि डर ही नहीं है, डर ही किसी बात करने की, कोई उनको कोई बोलेगा। आई अपील टू ऑनरेबल सीएम एंड पीएम, प्लीज इस प्रकार का जो पावर अब्यूज है उसे रोका जाए, चाहे वो धर्मशाला में है, चाहे वो हिमाचल में है, चाहे वो कहीं पे भी है। और एक और बात, आई अपील टू पब्लिक एज वेल, कि एक औरत बहुत कुछ सोच के समाज में सामने आती है, तो जब वो बोलने की हिम्मत रखती है तो आप उसकी इस हिम्मत को तोड़े ना। जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उस समय लोगों ने कहा कि पहले मार खाई थी तो पहले क्यों नहीं बोले, फिर लोगों ने कहा कि अब मार खाई है तो अब वापस क्यों नहीं जाते। मतलब हर सिचुएशन में एक औरत को ही कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला जाता है, एक औरत को ही एडजस्टमेंट के लिए बोला जाता है। बट रिपीटिंग माइसेल्फ अगेन, ये स्टोरी औरत पुरुष की लड़ाई की नहीं है सर, ये गलत को गलत बोलने की है, नीति और अनीति की है। जितना हक श्रीमान को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का है, क्योंकि मैं उनको जाके परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं उनको प्रेमिसेस में जाके एंट्री नहीं कर रही हूँ उनकी, वो जहां जहां भी वो मीटिंग्स ले रहे हैं या जो कर रहे हैं, मैं रात को जाके उनके दरवाजे नहीं बजा रही हूँ, तो मेरे साथ भी ये नहीं होना चाहिए, मेरे साथ या किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो मेरी बस इतनी सी अपील है सभी जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो इस प्रकार के पावर अब्यूज को रोक सकते हैं तो जरूर रोके, क्योंकि हम बहुत गलत मैसेज जो है वो समाज में दे रहे हैं। क्योंकि ये लोग चलो मैं औरों की बात नहीं करूंगी, श्रीमान जी दुनिया में जाके अच्छा चेहरा दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे जो चीजें मेरे साथ हो रही है, अगर मैं ये नहीं बोलूंगी तो मेरा पर्पस डिफीट है हर चीज का। और जहां तक बात है कोर्ट की, तो कोर्ट में ठीक है चीजें जा रही है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है फैसला मेरे लिए आ रहा था, वैसे ही मैं जानती हूँ देर सवेर हाई कोर्ट में भी आएगा, मैं जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं जानती हूँ कि वो देर सवेर फैसला होगा, लेकिन फिर समाज के सामने सच्चाई खुल के रखते हैं ना, पीछे से नैरेटिव कुछ और है, आगे से कुछ और है, सब कुछ मैनेज है, क्योंकि मैं तो आज अकेली हूं यहाँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिलीज के बाद मैं जानती हूँ महाशय की सारी टीम जो है वो लग जाएगी इस चीज को संभालने में। कई लोग मुझे गालियां देना फिर शुरू करेंगे, पर मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि जब इस बार आप गालियां लिखें तो प्लीज एक बार अपनी माँ का चेहरा जरूर याद रखना, इस बार आप गालियां लिखें तो अपनी बेटी का चेहरा जरूर याद रखना कि मेरी जगह आपकी बेटी भी हो सकती थी। मेरा जब फिजिकल अब्यूज खत्म हो गया तो साइकोलॉजिकल अब्यूज शुरू हो गया। मेरी शादी की वीडियोज, मेरी पुरानी नई वीडियोज जनाब अपने दोस्तों के थ्रू यूट्यूब चैनल पे लॉन्च कर रहे हैं, क्यों, क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये एक सभ्य इंसान को शोभा नहीं देता। तो इन द एंड